नमस्ते दी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। कैसे आना हुआ दीदी, बहुत दिन के बाद आए हैं। बड़े दिन से मिर्चाई लगा रहे हैं दीदी, बाकी आपके जैसा मिर्चाई नहीं हो रहा है। अच्छा, मिर्चाई जब हम लगावा ही ना दीदी, तो अपन बीज उपचार करके अपना शोधन करके लगावा ही, इसीलिए हमें मिर्चाई बहुत अच्छा रहा है। हम शोधन करके ना लगवे दीदी, बीज शोधन करने से क्या होता है दीदी? बीज उपचार करे से दीदी तीन चीज बहुत ज्यादा मतलब हुआ है। पहला तो अंकुरण अच्छा हुआ है, ओकर बाद में पौधा स्वस्थ दम मजबूती बढ़ता है, और इसके साथ साथ उपज का बढ़ाव भी बहुत ज्यादा हुआ है दीदी, इसीलिए दम हम लोग उपचार कर ही के मतलब अपना बीज लगाते हैं। उसी तरह हम फिर कर सकते हैं। बीज शोधन कैसे करते हैं दीदी? एक समय से अला दीदी चला बीज शोधन के लिए, तो हम सब सामान रख ले ही हो, चला सिखावा ही हो, सीखिया चला बतावा बतावा कैसे होवा है दीदी। बीज शोधन करने के लिए दीदी। सब सामान यही है, हम ला के रखे हुए हैं। अब देखिए, देखा दीदी, एक कट्ठा के लिए 8 ग्राम बीज हो मिर्चा के, एक चुटकी बमिस्टिक पाउडर हवा, 16 ग्राम मतलब बीजा मित्र हो है जे हो, एक प्लास्टिक के डिब्बा रहना जरूरी हो, 100 ग्राम मतलब सुसुम पानी और एक ठो सूती कपड़ा, यही मेन चीज हो बीज उपचार के लिए। सामान तो देख लिए हैं दीदी, अभी इसको शोधन करके बताइए हमको दीदी। ठीक है, करके दिखाते हैं। देखा दीदी, सबसे पहले ये जो बीजा मित्र हो ना, एक डिब्बा में ऐसे डाल दिया, और ये गरम पानी है 100 ग्राम जब बतैलियो है, एक डाल के और दोनों को मिला दिया। सुन पानी कहला दीदी। देखिए दीदी, सुसुम पानी हम इसलिए देते हैं कि जब बाजार से हम लाते हैं बीज को, तो वो सोया हुआ रहता है, और ठंडा पानी में देने से वो जल्दी अंकुरता नहीं है। अगर हम सुसुम पानी में इसको दे देते हैं, तो ये जल्दी अंकुर हो जाता है। बीजा मित्र किस लिए डालते हैं दीदी, बोलिए। बीजा मित्र हम डालते हैं इसलिए दीदी कि मतलब ये बीजा मित्र डालने से इसको टॉनिक के बराबर शक्ति है। छोटा बच्चा के जिस तरह से हम लोग टॉनिक पिलाते हैं, उस तरीके से अपना पौधा को बीजा मित्र डालेंगे, तो इसको मतलब ताकत अंदर से मिलेगा, इसके साथ साथ कीटनाशक खत्म होगा और इसको शक्ति मिलेगा अंदर से। बीजा मित्र में बहुत अनेक तरह के मतलब शक्ति है, इसलिए हम लोग अपना पौधा में भी बीजा मित्र जरूर से डालते हैं। देखा दीदी, 4 घंटे के लिए एक सूती कपड़ा में बांध के, और ये बीजा मित्र है ना, ओकरा में डाल दे, फूले ला, ऐसे फूले ला 4 घंटे के लिए एकरा डाल दे। हाँ दीदी, 4 घंटा के बाद इसको बताइए दीदी। हाँ दीदी, तू आई है, हम 4 घंटा के बाद बताएगो कि एकरा का करल जाए जे। ठीक होता है वो आओ का। ठीक ठीक दीदी, हम जा ही है दीदी। नमस्ते दीदी, आप आ गए हैं? हाँ दीदी आ गए हैं दीदी। चलिए चलिए दीदी, बताते हैं क्या करना है ना करना है। जो देखिए दीदी, अभी तक इसको 4 घंटा हम अपना घर में छाया में रखे हुए थे, ठीक, और अब बताते हैं कि इसको आगे क्या करना है, बताइए। देखिए दीदी, अब इसमें से निकाल करके हम देखिए दीदी अब इसको हम इसमें से निकाल करके और एक चुटकी बविस्टिंग पाउडर मिला करके इसको और फिर बांध देंगे। एक चुटकी बविस्टिंग पाउडर मिला करके इसको फिर हम ऐसे बांध देंगे। क्या करेंगे इसको दीदी? इसको हम बांध करके 12 घंटा के लिए भूसा घर में धर देंगे दीदी। भूसा घर में किस लिए धरिएगा दीदी? भूसा घर में हम इसलिए रखेंगे दीदी कि इसको भूसा में रखने के बाद जल्दी अंकुर आता है, इसीलिए हम इसको भूसा घर में रखेंगे। भूसा में अंकुरण जल्दी कोई चीज के भी आता है गर्मी के कारण। बीज शोधन करने से क्या फायदा होगा दीदी? बीज शोधन करने से दीदी देखिए, अंकुरण जल्दी होता है, पौधा स्वस्थ नहीं होता है, उपज ज्यादा बढ़ता है, यही ज्यादा फायदा हम लोग के लिए है और क्या। ठीक है दीदी, इसी तरह आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दीदी। जब भी मिर्चा लगाएंगे दीदी, तो शोधन करके लगाएंगे। हाँ दीदी, जरूर करिएगा दीदी, अगर भूल होगा बीच में तो हमको जरूर कहिएगा, हम बताएंगे। ठीक है, हम बुलाएंगे। ठीक है।